शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले एवं पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव राजनीति में आज एक जाना पहचाना नाम है। कोलारस के दिवंगत विधायक राम सिंह यादव के बेटे महेंद्र सिंह यादव की राजनीतिक छवि काफी साफ सुथरी और एक मददगार राजनेता के रूप में जानी जाती है। इसी के चलते आज वे क्षेत्र की जनता में काफी लोकप्रिय राजनेता के तौर पर शामिल है। चाहे वे क्षेत्र का किसान हो, युवा हो, बुजुर्ग, सभी उन्हें अपने क्षेत्र का उदारक मानते हैं। इसलिए कोलारस की जनता अपने क्षेत्र से सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा देखना और सुनना पसंद करती है, जो हर वक्त उनके सुख दुख का साथी उनके लिए नजर आता है, और वो नाम है महेंद्र सिंह यादव। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास होने के चलते आज उनका नाम बीजेपी के प्रमुख नेताओं में शुमार है। उनके इन्हीं आदर्श और जनता के दिलों में राज करने के चलते आने वाले 2023 के चुनाव में क्षेत्र से उनको प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके चलते हमारी टीम द्वारा उनके निज निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की गई और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है उस पर भी चर्चा की गई। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा महेंद्र सिंह यादव ने। नमस्कार, फास्ट समाचार से हर्षिता तोमर बोल रही हूँ। आज महेंद्र सिंह यादव जी से मुलाकात करने आए हैं, उनसे चर्चा करेंगे किस तरीके से उन्होंने इस कार्य की शुरुआत की, किस तरीके से उनके पिताजी ने यहाँ के लोगों को सहारा, यहाँ के क्षेत्र का विकास किया, किस तरीके से उन्हें उनके पिताजी से इंस्पिरेशन मिली कि वो भी आगे लोगों की सेवा करें, मदद करें। जानते हैं महेंद्र सिंह यादव जी से। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। कैसे सर? बढ़िया है सर। सर, यहाँ पर जो आपके पिताजी द्वारा कार्य किया गया उससे लोगों को कितनी संतुष्टि रही है, कितना क्या विकास हुआ है, आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर आऊँ? मेरे पिताजी यहाँ बगल में गांव है, 10 किलोमीटर पर तरावली गांव, वहाँ के रहने वाले थे और ज़्यादातर खेती के व्यवसाय उससे जुड़े हुए थे। लेकिन चूंकि बगल में गांव था, ये 2 किलोमीटर पार्सल गांव, जहाँ व्यापार होता था, मंडी आती थी, किसान जो है बैलगाड़ियों से माल लेके आते थे। तो उसी समय में मेरे दादाजी व्यापार से जुड़ गए, वहाँ पार्सल में माल खरीदने लगे, मेरे पिताजी भी उनका साथ हाथ बटाने लगे और धीरे धीरे गल्ले के व्यापार से या अनाज का जो व्यापार होता है गेहूं चना खरीदने का, उससे जुड़ गए। और उसी के तहत जो है यहाँ बगल में खतौरा में मंडी थी, तो फिर यहाँ खतौरा आ गए, यहाँ लाइसेंस लिया राम सिंह रघुवीर सिंह के नाम से, और 67 में उन्होंने यहाँ गल्ले का व्यापार लाइसेंस लेके शुरू कर दिया था। तब से उन्होंने गल्ले का व्यापार किया और खतौरा में जो है धीरे धीरे रच बस गए, यहाँ के लोगों का प्रेम मिला, उनको सरपंच बनाया, उसके बाद में उनको जनपद अध्यक्ष बनाया, उसके बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और सांसद का भी टिकट मिला और फिर विधायक भी मिले। और उसी के तहत जो है जनता से प्यार जो मिला, उसी का आज नतीजा है कि पिताजी जो है आगे बढ़े और उन्हीं के नाम से आगे राजनीति में मुझे भी मौका मिला उनके जाने के बाद में, तो हम भी सेवा कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, यहाँ का विकास आप भी करना चाहते हैं, आगामी चुनावों को लेकर के क्या तैयारी रही है आपकी, आपने क्या सोचा है, आप जनता को क्या उपहार देंगे, उनकी क्या मदद कर सकते हैं, या उनकी उनसे उनकी आपसे क्या उम्मीदें हैं जो आप उनकी पूरी करना चाहते हैं? देखिए, विधायक जनता जो चुनती है, वो चुनने के बाद में विधायक सरकार बनाता है, और जो सरकार बनती है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनता है विधायक, तो वो अपने आप ही ऐसे निर्णय लेती है सरकार जिससे गरीबों के लिए फ़ायदा होता है। विधायक व्यक्तिगत कितना काम करेगा, जो छोटे मोटे काम है वो निपटाएगा, लेकिन मेन तो सरकार जो बनती है वो ऐसे निर्णय लेती है जिनसे गरीबों के लिए, जो अंतिम छोर का व्यक्ति बैठा है गरीब, उस तक वो पहुँचती है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, छोटी छोटी सी जो घर की योजना है, शौचालय की है, अभी नई योजना आई है लाडली बहना योजना, तो ऐसी कईयों योजनाएं, पानी की योजना, तो उससे क्या होता है कि जब विधायक जो सरकार बनाता है और सरकार उस योजना का जो कार्य नीचे लाती है, उससे जनता को फायदा होता है और विधायक जनता के बीच में रह करके, और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि ईमानदारी और भ्रष्टाचार ना करें। तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि ना मेरे पिताजी ने कभी भ्रष्टाचार किया
और ना मैं कभी करूँगा। अगर कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति ये बता दे कि कभी मेरे पिताजी ने और मैंने किसी रूप में भी भ्रष्टाचार किया है तो उसको 10 गुना आज ही वापस करेंगे। माधवराव सिंधिया जी से भी जुड़ा हुआ था आपका परिवार, जो आपके पिताजी थे सिंधिया परिवार से जुड़े हुए थे, आप भी जुड़े हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है, कैसे क्या संबंध रहे हैं, कैसे क्या विचारों का मेल रहा है उनके साथ, किस तरीके से आपने काम किया है? पहले मेरे पिताजी जो है राजमाता जी के साथ थे जनसंघ में, उसके बाद में जब माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस में आए उसके बाद में मेरे पिताजी उनके साथ काम किया लगातार। मेरे पिताजी को उन्होंने करेरा से विधायक का टिकट दिया और हमेशा जिला पंचायत का अध्यक्ष बनवाया मेरे पिताजी को बड़े महाराज ने, और उसके बाद में उनके असामयिक निधन के बाद में आदरणीय हमारे श्रीमंत ज्योतिराव सिंधिया जी यहाँ से सांसद बने। आज 18-20 साल से लगातार मेरे पिताजी उनके साथ काम किया और 2017 में उनके जाने के बाद में मैं उनके साथ में श्रीमान सिंधिया जी के साथ काम कर रहा हूँ। अभी 2000 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिंधिया जी ने बनाई तो हम लोग भी उन्हीं के साथ में भारतीय जनता पार्टी में आ गए और तब से निरंतर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। सिंधिया जी की जहाँ तक बात है तो उनकी तीनों पीढ़ियों के साथ मेरा परिवार जुड़ा रहा है और उन्हीं का आशीर्वाद है कि मुझे भी विधायक का टिकट मिला और मैं भी विधायक बना और आज भी कार्य समिति सदस्य हूँ प्रदेश में, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में, और निरंतर पार्टी और सिंधिया जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। ये क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी की देन है। बीजेपी की तरफ से आप क्षेत्र में भी जाते होंगे, लोगों का कैसा क्या स्नेह और प्यार आपको मिलता है, क्या उन्हीं का जो सपोर्ट है, उन्हीं का जो प्यार है वो ही आपको इस क्षेत्र में टिकने के लिए बना हुआ है कि हाँ मैं इस क्षेत्र में कार्यरत रहूँगा, लोगों की सेवा करूँगा, मदद करूँगा उनका, क्या ये उनका स्नेह और प्यार ही है? देखिए वैसे तो मेरे पिताजी ने जनता के साथ जो प्रेम और व्यवहार रहा है उसी का प्रतिफल है कि सब लोग जो है उनके नाम से कि उनका बेटा हूँ मुझे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं और हमेशा अपना सहयोग देती रहती है। हम लोग चुनाव जब भी जीते तो अधिक वोटों से जीते, हारे तो बहुत कम मार्जिन से हारे, ये जनता का प्यार ही है। आज आप देखिए कि लगातार अगर राजनीति में रहते हैं तो कोई ना कोई बुराई और भलाई के काम बनते रहते हैं, लेकिन लगातार आज 40 साल से मैं और मेरे पिताजी लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। छोटी मोटी कोई गलती हम लोगों से हो सकती है लेकिन ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं बनी कि जनता ये कह सके कि इन्होंने हमारा ये नुकसान किया है। लोग कहते हैं कि अगर बड़ा फ़ायदा नहीं कर सकते तो बड़ा नुकसान भी ये लोग कभी नहीं करते, ऐसा लोगों की राय है। और हम लोगों का तो सोच ऐसा है कि कोलास विधानसभा ही नहीं, कहीं का भी व्यक्ति अगर हम लोगों से आशा करता है कि हम उसके काम में आ सकें तो जो हमसे बन पड़ेगा, चाहे वो गुना जिले का हो, शिवपुरी जिले का हो, चाहे वो असुनर जिले का हो, कहीं का भी हो, हम उसकी सेवा के लिए निरंतर तैयार रहती हैं क्योंकि हम लोग जो है ईश्वरवादी या ईश्वर की सोच के साथ चलना चाहते हैं कि व्यक्ति तो व्यक्ति अगर प्रकृति के साथ में जो भी है, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे कोई, उसकी सेवा और उसकी मदद करना ही ईश्वर के काम है। इसलिए हम लोग ये कभी सोच के नहीं चलते कि कौन विरोधी है, कौन हितैषी है, जो हमसे मदद मांगता है चाहे वो विरोधी क्यों ना हो तो उसकी भी मदद करते हैं और उसी का फल है कि लोग जो है निरंतर आज 40 साल से हर काम में सहयोग दे रहे हैं। अभी मेरी बेटी जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध बनी, उसके पहले मेरे पिताजी जिला पंचायत अध्यक्ष थे और मैं भी विधायक रहा, तो ये जनता का प्यार ही है। नहीं तो लोग जो है एक बार आप किसी पद पर रह जाएं तो लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन आप भी क्षेत्र में घूम के अगर पूछना, अगर आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति अगर मिल जाए कि मेरा इस परिवार ने नुकसान किया है तो निश्चित तौर से मैं उस पर विचार करूँगा और उसका क्षतिपूर्ति अगर उसकी हुई होगी तो उसको 10 गुना रूप में देने की पूरी कोशिश करूँ। सीएम सरकार अभी जो लाडली बहना योजना लेकर के आई है उसके बारे में आपका क्या कहना है सर?
देखिए इतनी बड़ी योजना मेरे ख्याल से तो अभी तक जितनी सरकारें रही होंगी शायद ही बड़ा बनी होगी, क्योंकि इतनी पूरे प्रदेश की महिलाओं को, जो बहनें मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और सब लोगों को पता है, कई एक ऐसी बहन है जो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें, कभी बच्चे को कुछ लेना है, कभी कभी अपने बुआ के यहाँ या कहीं राखी के लिए जाना है, कभी कभी कोई छोटी छोटी तोहफा किसी को देना है, तो पति के आगे हाथ करती थी कि भाई मुझे कुछ दे दो, तो कभी उसने दे दिया, कभी मना कर दिया, तो मन मार के रह जाती थी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज मामा ने और हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है कि 1,000 रुपये प्रति मंथ उनको हर 10 तारीख को मिल रहा है, तो निश्चित तौर से उनकी जो छोटी छोटी ज़रूरत है वो पूरी कर सकेंगी। और उसके साथ में शिवराज मामा ने कहा है कि मैं धीरे धीरे जैसे मेरे पास पैसा आता जाएगा, सरकार के पास आमदनी बढ़ती जाएगी, हर साल उसको बढ़ाते बढ़ाते 250-250 रुपये करके बढ़ाते हुए 3,000 तक ले जाने का उन्होंने वादा किया है। तो निश्चित तौर से महिलाओं के हक में एक बहुत बड़ा फैसला है। इसके परिणाम तो ये आने वाले हैं कि कई महिलाओं से जब हम बात करते हैं तो वो कहती है, पति कहता है कि मैं दूसरी पार्टी में वोट दूंगा, तो महिलाएं कहती हैं नहीं तुम कहीं भी दो, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगी। ये इस योजना का वो है। और आप देखिए कि इतनी रकम आई है गाँव में शहरों में कि नए सिरे से बाज़ारों में जो है एक तरह से दुकानें चल पड़ी हैं, ग्राहकी जो है बढ़ गई है और निश्चित तौर से हर तरफ जो है एक अच्छा माहौल है। बहुत खुश हैं महिलाएं, वो बहुत आशीर्वाद शिवराज मामा को और भारतीय जनता पार्टी को दे रही हैं। इससे बड़ी योजना कोई हो नहीं सकती। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव जी से हमने चर्चा की, उनके विचारों को जाना, उनकी नीतियों को जाना, लोगों के बारे में उनके क्या विचार रहे, लोगों से उनको कितना प्रेम मिला, किस तरीके से उन्होंने लोगों की सेवा की और वो आगे निरंतर करते रहेंगे, ये सब आज हमने उनसे चर्चा की। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।